हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर आपको रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाया, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, तो आज फिर से वापस बेसिक ही समझते हैं। देखो ये टाइप के सम्स सिंपल होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के सम्स आते हैं जिसके अंदर आपको पहले तो आपको दे दिया रहता है फाइनेंस का खर्चा, कॉस्ट का खर्चा दिया रहता है। जो सेकेंड टाइप है ना उसके अंदर अपने को फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करके रिकंसिलिएशन करना है। ये टफ लेवल का क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंट, जो कॉस्ट शीट आपको अभी आने वाला है, इस सेमेस्टर में कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट कैसे बनता है, कॉस्ट शीट के अंदर आपको जो भी एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फाइनेंस का एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दोनों को रिकंसाइल रीचेक करना पड़ेगा। भाई इधर ओपनिंग स्टॉक इतना है, इधर ओपनिंग स्टॉक इतना है, इधर क्लोजिंग स्टॉक इतना है, इधर क्लोज, और फिर दोनों को रिकंसाइल करके आपको ये रिकंसिलेशन करना है। अभी जो बेसिक सम कर रहे उसके अंदर अपने को बनाना नहीं है कुछ भी, स्टेटमेंट दिया है कि भाई कॉस्ट में इतना खर्चा हुआ, फाइनेंस में इतना खर्चा हुआ, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो बेसिक था सब। चैतली बराबर है, तो आज भी वही करेंगे। एक बार बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो अपन उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। जीके लिमिटेड शोड अ नेट लॉस, क्वेश्चन में लॉस दिया है, नेट लॉस ऑफ 2,43,300 एज पर देयर फाइनेंशियल अकाउंट For the year ended 31st March 2018, however, cost account disclosed a net loss of 2,48,300. दोनों में net loss दिया है, बराबर है? Loss as per finance दिया है, loss as per cost दिया है। तो यहाँ पे net profit के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा net loss। फर्क समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा net loss as per, अब आपका wish, फाइनेंस या कॉस्ट लिखना है। क्या लिखूं? फाइनेंस लिख दूं? चलिए ठीक है, फाइनेंस लिख दूं। तो आंसर क्या आएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। डन। कॉस्ट लिखोगे आंसर फाइनेंस आएगा, फाइनेंस लिखोगे आंसर कॉस्ट आएगा। समझाइए आपको, मतलब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा है तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आएगा, लॉस एज पर फाइनेंस लिखा है तो लॉस एज पर कॉस्ट आएगा। तो यहां पे भी प्रॉफिट के जगह पे क्या आने वाला होगा? लॉस। सर आपको कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया है लॉस, लॉस दोनों में लॉस दिया है, बराबर है चेताली? तो भाई लॉस एस पर एफ ए तो लॉस एस पर सी ए आएगा, क्लियर? तो एफ एस पर लॉस कितना दिया बोलो जरा? 2,43,300। कुछ नया होने वाला है, जरा ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है? तो हमने लिखा नेट लॉस एज पर एफ ए। कुछ टीचर्स इधर ही आपको एक ट्विस्ट दे देंगे, लॉस आया है अमाउंट को ब्रैकेट में लिखो। ये पहला ट्विस्ट जो कॉलेज में होगा और जिसे आप मेरे में और उसमें फर्क स्टार्ट कर दोगे, सर आपने तो ब्रैकेट नहीं किया था, हमारे कॉलेज में ब्रैकेट डाल रहे, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो मेरा वर्किंग पहला एक बार देख लो, आप आंसर चेक कर लो, फिर अपने आप आपको समझ में आएगा कि ब्रैकेट डालना है या नहीं डालना है एज पर माई वर्किंग, ओके? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई प्रॉफिट, सॉरी लॉस दिया है, आंसर में लॉस आएगा। क्या क्या दिया आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है फॉर द सेम पीरियड ऑन स्क्रूटिनाइजिंग बोथ द सेट्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर रिसीव्ड। चलिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। तो वर्क ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड रुपीज 30,400। वर्किंग नोट बना लेते, वर्किंग नोट नंबर वन। हमारे पास दो बुक्स होते हैं, एक होता है फाइनेंस एक होता है कॉस्ट। वर्क ओवरहेड्स का मतलब वाली जान, ओवरहेड्स को बोलते हैं एक्सपेंस। वर्क एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड मतलब क्या है? वर्क का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया, किधर? कॉस्ट में। सिर्फ बोला नहीं है, बाय डिफॉल्ट कॉस्ट अज्यूम करना है, समझ में आया? तो कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। जब खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है तो आपको बेसिक एक ही चीज सोचना है कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जब खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट तो कम होगा,
किसका प्रॉफिट कम होगा? सीए का प्रॉफिट कम होगा, हाया नहीं, बाय कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा। कितना कम होगा? 30,400। अरे बात समझा? हाँ। पक्का समझा चेताली? 100%। अब ये बात तो इसको मालूम ही नहीं है फाइनेंस को, क्योंकि ये खर्चा किधर था? कॉस्ट में। तो एफए को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये भाई साहब इधर का इधर ही है, बराबर। अब क्या करना है? अब प्रॉफिट एज पर क्या है? एफए, एफए यहां है, सीए यहां है। देखो सीए इधर पहुंच गया है, एफए तो ऊपर ही है। मुझे नजरिया रखना है क्या एफए का, एफए से सीए को देखना। अरे भाई ये तो नीचे चला गया, हाया नहीं, भाई एफए इधर था, सीए इधर है, नीचे चला गया, मतलब हमको नीचे देखना पड़ रहा है, और नीचे देखना है मतलब माइनस करना है। बस समझ में आया? तो इस चीज को किधर लिखना है? माइनस में। बट मैं माइनस में नहीं लिखूंगा, इसे मैं प्लस में लिखूंगा। अरे सर ये क्या नया ट्विस्ट दे दिया, नॉर्मल सम है माइनस में लिखोगे, बट ये नॉर्मल सम नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो लॉस में क्या करने का? रिवर्स, जो माइनस हो रहा है वो प्लस, प्लस हो रहा है वो माइनस, बस यही ट्विस्ट है। बस समझा? जो माइनस हो रहा था उसे आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे, और कुछ भी नहीं करोगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि मैंने इसे ब्रैकेट नहीं डाला है। अगर मैं इसे माइनस कर देता हूं तो माइनस वाला चीज माइनस में, प्लस वाला चीज प्लस में जाएगा। हाँ तो मैं अभी वही बोला कि अगर आपने इधर ब्रैकेट रखा है तो माइनस वाला माइनस में लिखो, प्लस वाला प्लस में लिखो। तो फर्क आपके कैलकुलेशन में क्या होगा? आपको तो नॉर्मल याद है भाई, इसको इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है। तो जब आप ऐसा सॉल्व करते रहोगे तो हमेशा ये जो ऐड का अमाउंट आया रहेगा उसको पहले इसके साथ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, इसलिए मेरे को वो टर्न नहीं करना है मेथड को। तो माइनस को मैं सीधा प्लस करता हूं और कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना। समझा फर्क? क्यों मैं ब्रैकेट नहीं डाल रहा हूं? ब्रैकेट डालने से अपना जो नॉर्मल सम्स रहता है भाई, इसको इसमें प्लस करना इसमें माइनस करना रहता है, बट लॉस के टाइम पे मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, खाली वर्किंग में चेंज कर रहा हूँ, माइनस को प्लस कर रहा हूँ। सर हमारा आंसर रॉन्ग आएगा क्या? चेक करते ना, आपको तो आंसर मालूम ही है, तो आप भरोसा कर सकते हो राइट है क्या रॉन्ग। समझा? तो अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, एड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्क ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड, आया नहीं? कितना? 30,400। बेसिक क्लियर यहां तक? पक्का समझा? चलिए बढ़ते आगे, उसके बाद है सेलिंग ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, सेकेंड वर्किंग। फाइनेंशियल अकाउंट होता है, कॉस्ट अकाउंट होता है। सेलिंग ओवरहेड्स का मतलब क्या है चैताली? सेलिंग का खर्चा। अंडर रिकवर्ड का मतलब कम रिकॉर्ड किया, खर्चा कम रिकॉर्ड किया, मतलब प्रॉफिट तो बढ़ेगा। किसका? एफए का बढ़ेगा क्या? नहीं। कितना बढ़ रहा है भाई? 20,300। समझाइए, क्या ये बात एफए को मालूम है? नहीं भाई, ये तो जैसा है वैसे। समझ में आया? नजरिया क्या रखा है आपने? एफए का, एफए इधर है, सीए ऊपर है, ऊपर देख रहे तो प्लस, लेकिन लॉस है तो माइनस। बस ये लॉजिक पकड़ के चलो, समझ में आ गया? तो अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस में लिखेंगे, क्या है ये? सेलिंग ओवरहेड्स अंडर रिकवर, कितना? 20,300। केशव समझाइए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर, सेम वर्किंग बन सकता है इसके लिए, जैसा ये वैसा सेम बनने वाला है। फिर से एफए एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड मतलब कम रिकॉर्ड किया, किधर? सीए में। जब खर्चा कम रिकॉर्ड किया है तो इसका प्रॉफिट तो बढ़ेगा, कितना? 27,700, बराबर है। अब एफए को ये बात मालूम है क्या? नहीं मालूम है। नजरिया तो हमने क्या रखा है? एफए का, एफए से सीए, भाई ऊपर देख रहे तो प्लस, ओवरड्राफ्ट यानी कि लॉस है तो माइनस। तो आप इधर माइनस में लिख दोगे क्या? एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड 27,700।
समझ में आया ये? क्लियर है पवार? उसके बाद निकिता क्या दिया है? डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, बोल दिया है डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, एफ ए सी ए। ओवर चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज किया है किधर? सीए में। एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया है मतलब प्रॉफिट कम होएगा, किसका? सीए का। कितना कम होएगा? 35,100। बात समझाइए, क्या ये बात एफए को मालूम है? क्लियर? नजरिया एफए का है, एफए से सीए। नीचे देख रहे मतलब माइनस, लेकिन लॉस है तो प्लस। क्लियर हुआ? तो भाई इसे प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज या ओवर चार्ज? ओवर चार्ज। कितना ओवर चार्ज? 35,000। बात समझाइए। उसके बाद क्या है जरा देखते, बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट 15,000। बैड डेब्ट्स क्या है? खर्चा है ना, एक्सपेंस है। भाई ये एक्सपेंसेस किधर रिकॉर्ड हुआ है? एफए में रिकॉर्ड हुआ है मतलब एफए का प्रॉफिट कम होएगा। क्या ये बात सीए को मालूम है? नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। अब नजरिया क्या है? फिर से नजरिया तो एफए का ही है, एफए से सीए देख रहे प्लस, लेकिन लॉस है तो माइनस। समझा? तो इसको माइनस में जाके लिखेंगे, क्या है ये? बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 15,000। लॉजिक क्लियर हो रहा है? हाँ। बैड डेब्ट्स क्या होता है? लॉस। लॉस है मतलब प्रॉफिट तो कम ही होगा। प्रॉफिट किसका कम होगा? एफए का। सर आपको कैसे मालूम? बोला उसने फाइनेंशियल अकाउंट, तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा। कॉस्ट का कम होगा क्या? नहीं, खत्म भाई। ये तो आ गया नीचे। अब नजरिया एफए का था, एफए यहां है, सीए तो ऊपर है भाई, ऊपर देख रहे तो प्लस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, यानी कि लॉस है तो माइनस। समझा निकिता? निकिता उसके बाद क्या दिया है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट एफए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब कम किया। अब असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो अपने लिए नुकसान है, नुकसान है मतलब प्रॉफिट कम होगा। किसका? एफए का, सीए का नहीं। नजरिया क्या रखा है आपने? एफए का। एफए से सीए के पास देखना है मतलब फिर से ऊपर देख रहे प्लस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। समझा? तो माइनस में आप इसे लिखोगे क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना? 5,000। और कुछ है क्या? जालो सॉरी इंटरेस्ट क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर इन एफए, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया मतलब क्या है? आया किधर? आया एफए में आया मतलब प्रॉफिट तो बढ़ेगा। ये बात सीए को मालूम है? नहीं भाई, जैसा है जैसे ही। नजरिया क्या है? एफए का, एफए से सीए। अरे भैया नीचे लॉस है तो प्लस। बात समझाइए भाई, इसको प्लस में लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 7,500। और कुछ है क्या केशव? डन। प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग लॉस शोन बाय द फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंट बाय टेकिंग कॉस्ट नेट लॉस। देखो इस क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे स्पेसिफाई किया क्या कि आपका जो बेस लेना है वो सीए से लेना था, हमने एफए से लिया। तो अभी अगर मुझे सीए से बोला तो मैंने आपको इसका भी ट्रिक दिया, मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया है, सीए ऊपर लिखने का, जो प्लस हो रहा है उसको माइनस और जो माइनस हो रहा है उसको प्लस करने का। बात समझ में आया क्या? इधर स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में कि भाई आपको बेस प्रॉफिट क्या लेने का है? कॉस्टिंग का लेने का है, तो कॉस्टिंग से ही स्टार्ट होगा। मैंने मेरे मर्जी से किया, लेकिन क्वेश्चन जो डिमांड करेगा अपने को वही सॉल्व करना है। समझ में आया? दोनों में आंसर सेम रहता है, खाली कॉस्ट लिया है तो कॉस्ट में क्या होगा? जो माइनस हुआ है वो प्लस में आएगा, जो प्लस हुआ है वो माइनस में आएगा, बस यही फर्क आएगा। वर्किंग विर्किंग सब सेम रहता है, खाली नजरिया बदलने वाला है। बात समझा? चलिए अब जरा टोटल लेके आंसर चेक कर लेते। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल ले लो इसका 73,000। इसका टोटल 68,000। अब देखो
इसमें ये प्लस और ये माइनस करो, 2,40,300। अब आप अगर इसका टेक्स्ट बुक चेक करते हो, अगर ये सम के लिए, तो आपको जो मैंने ऐड किया वो ऐड में ही दिखेगा, जो माइनस किया वो माइनस में दिखेगा, बट वो कॉस्ट के हिसाब से। बट उधर फर्क क्या है मालूम है? इधर माइनस वाला अमाउंट है। तो देखो जो माइनस हो रहा है वो लोग ने माइनस में लिखा, मैंने उसको प्लस में लिखा है। तो दिस इज द डिफरेंस। वो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग पढ़ा दिया है, खाली आपका नजरिया क्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्का समझाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड असर्टेन द कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। द नेट प्रॉफिट एज पर FA प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 50,000। मतलब अपने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर FA ही दिया है, कॉस्टिंग मुझे फाइंड करना है। प्रॉफिट कितना दिया है? 50,000। अरे ये समझा? CA फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है असर्टेन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये गायत्री मुझे फाइंड करना। आगे क्या दिया है? आगे दिया है ओपनिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यू बाय ₹2,000 इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंट। चलिए वर्किंग बना के चेक करते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू के लिए FA एंड CA। ओपनिंग स्टॉक पहली बात तो क्या है मालूम होना चाहिए, क्या है ओपनिंग स्टॉक? एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक? इनकम। ये तो मालूम है ना। अब वो बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं इसे ऐसा नहीं पढ़ता, एक्सपेंसेस वॉज ओवर वैल्यू बाय 2000। ये सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड किया है किधर? कॉस्ट अकाउंट में। जब एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट तो कम होना है, कितना? 2000। अरे बात समझा? कॉस्ट में बोला है, फाइनेंस में नहीं। अब नजरिया क्या है FA का? FA यहां है, CA नीचे, तो क्या करना है यहाँ पे? नीचे आके देखना है, मतलब माइनस, तो ये माइनस में जाएगा, इधर प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही दिया है ना, तो माइनस वाला माइनस, प्लस वाला प्लस, तो ये माइनस में जाएगा। क्या? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। फर्क समझ में आया? समझाइए। उसके बाद क्या है राहुल, देखो जरा, उसके बाद दिया है एडमिन ओवरहेड चार्ज इन फाइनेंशियल बुक 20,000 बट रिकवर्ड इन कॉस्ट ₹40,000। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, FA CA एडमिन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या है? खर्चा है राहुल, बराबर है क्या? एडमिन ओवरहेड्स कितना रिकॉर्ड किया? 20,000 FA में खर्चा, प्रॉफिट तो कम होगा, कितना? 20,000, बराबर है। बट कॉस्ट में भी सेम हुए, बट ये कितना है? 40,000। तो कॉस्ट का भी प्रॉफिट कम हुआ, फाइनेंस का भी प्रॉफिट कम हुआ, बट कॉस्ट का प्रॉफिट 40,000 और फाइनेंस का प्रॉफिट 20,000 कम हुआ। समझा? बट यहां तक तो दोनों ने सेम कम किया है, कितना? 20,000। तो इस बंदे ने एक्स्ट्रा कितना कम किया है? लॉजिक समझ में आया? क्योंकि यहां तक तो दोनों सेम ही लेवल पे ना। अब नजरिया क्या है आपका? FA, FA है यहां, CA है और नीचे, तो क्या होगा? बट कितना माइनस होगा? सिर्फ 20,000। समझा? तो यहां पे माइनस में आप लिखोगे, क्या है ये? एडमिन एक्सपेंस ओवर रिकॉर्ड ओवर चार्ज, कितना? 20,000। समझाइए हर्ष। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है इनकम टैक्स प्रोविजन ₹1,200। अब ये इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है वो FA में होता है, CA में नहीं। टैक्स मिक्स का काम फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट का है, कॉस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, ठीक है? इनकम टैक्स खर्चा है, खर्चा है मतलब प्रॉफिट कम होगा, किसका? FA का। CA का कम होगा क्या? नहीं। कितना कम होगा? ₹1,200। लॉजिक समझा? अभी बात करते हैं नजरिया की। तो FA से CA भाई ऊपर देख रहे मतलब प्लस, समझाइए। तो भाई प्लस में जाएंगे और लिखेंगे, क्या है ये? इनकम टैक्स प्रोविजन, कितना? 1200। एनी डाउट? वेरी गुड। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? नेशनल सैलरी नहीं है, उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में भी, इधर भी। इट इज नोशनल सैलरी। नोशनल सैलरी टू अ प्रोप्राइटर इन कॉस्ट ₹20,000। नोशनल मतलब नॉमिनल, ठीक है? चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन
प्रैक्टिकल फोर्थ पे एफए एंड सीए। नोशनल सैलरी चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, सैलरी तो खर्चा है मतलब प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का कितना? इस बात को फाइनेंस को पता है क्या? नहीं। समझा? अब नजरिया है एफए से सीए, नीचे मतलब माइनस, तो भाई माइनस में जाके लिखना है नोशनल सैलरी। नोशनल सैलरी कितना है? 20,000। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ। फिर उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव 12,000, 100 है एफए सीए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आयुष, मतलब पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बट किधर रिसीव होता है इंटरेस्ट? एफए में, कॉस्टिंग में इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, मतलब भाई इसका प्रॉफिट तो बढ़ेगा। ये बात इसको मालूम है? नहीं। नजरिया क्या रखा है आपने? एफए से सीए, नीचे मतलब माइनस। समझा? तो भाई माइनस में जाएंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड कैट लॉ 12,000। अच्छा उधर पे भी लिख देता 12,000, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जरा देखते, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंस बुक इज 16,200 वेयर एज इन कॉस्ट बुक इट वॉज 19,000। दोनों दिया हुआ है तो भाई क्लोजिंग स्टॉक क्या है अपने लिए? इनकम है 6, एफ ए सी ए, इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, फाइनेंस का भी बढ़ेगा, कॉस्ट का भी बढ़ेगा। कॉस्ट का बड़ा है 19,000 बट फाइनेंस का कितना बड़ा है? 16,200। यहां तक तो दोनों का सेम ही बड़ा है ना, 16,200। इसका एक्स्ट्रा कितना बड़ा है भाई? 2,800। समझ में आया? अब नजरिया तो एफ ए, एफ ए यहां है, सी ए ऊपर है, ऊपर देख रहे मतलब प्लस, कितना प्लस करना है? 2,800। तो भाई यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,800। और कोई कुछ है क्या समझ में आया? चलिए फट से इसका टोटल ले लेते हैं। इसका टोटल है 4,000 जो कि इधर आ जाएगा, फिर इसका टोटल है 54,000 माइनस में देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, 50 + 4 = 54 - 54 = 0। समझ में आया सब? तो यही है रिकंसिलेशन। ओके होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।